आजकल हमारे जितने भी आराध्य देव हैं उनके तस्वीर को उसकी छवि को बिगाड़ने का काम हो रहा है। पिछले कुछ सालों से हम देख रहे हैं भगवान राम का जो सौम्य चेहरा है, हनुमान जी का सौम्य चेहरा है, भक्ति से सर्वभोग उनका चेहरा दिखाई देता है और इस प्रकार की तस्वीर हमारे पुरखों ने बनाई थी जो ज्ञान के भक्ति के शक्ति के प्रतीक रूप में हनुमान को हम जानते हैं। बालकाल से हम लोग उसी प्रकार से परिचय कराया गया था, लेकिन आज कल देख रहे हैं कि भगवान राम का हो उसे युद्धक राम के रूप में प्रदर्शित किया जा रहा है, उसी प्रकार से हनुमान जी कितना सौम्य चेहरा और आज उसे एंग्री बर्ड के रूप में दिखाई दिया जा रहा है। बहुत क्रोधित है, आंखें लाल है, बाल बिखरे हुए हैं। इस प्रकार के हनुमान की कल्पना न हमारे पूर्वजों ने की थी, न आज समाज उसको स्वीकार करता है। अभी तत्काल में एक पिक्चर आई है जिसमें आदि पुरुष, अब उसमें तो उस समय जो संवाद है उसकी भाषा है वो सब मर्यादित है। रामायण को हम लोग तुलसीदास जो रामायण है उसमें भगवान राम को मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहा गया और किसी के द्वारा इस प्रकार से जो उसमें शब्दों का जो चयन है वो सभी मर्यादित है। लेकिन आज जो आदि पुरुष में हनुमान जी के जो डायलॉग है, अन्य पात्रों के जो डायलॉग हैं उनके द्वारा बोले गए शब्द हैं वो निम्न स्तर के हैं, जली ना और जलेगी, कपड़ा तेरे बाप का, तेल तेरे बाप का, आग तेरे बाप की, इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग और भी बहुत सारे डायलॉग हैं जिसके बारे में बहुत ही आपत्तिजनक है। आपको याद होगा कि राजीव जी जब प्रधानमंत्री थे तो रामानंद सागर जी से बोल के उन्होंने रामायण सीरियल बनवाया था जो काफ़ी लोकप्रिय हुआ था। रामानंद सागर जो रामायण जो सीरियल बनाया था उस समय तो बाजार बंद हो जाता था, गाड़ियाँ रुक जाती थी, काम धाम छोड़ के सब रामायण सीरियल का इंतजार करते थे और उनके एक एक शब्द देखिए। लेकिन अभी अब कालीन जैसे शब्द प्रयोग किया गया है तो रामायण काल में कालीन तो शब्द का प्रयोग होता नहीं था। इस प्रकार से जो हमारे आदि पुरुष के बहाने पहले तो भगवान राम और हनुमान जी के तस्वीर को विकृत करने का काम किया, अब उनके द्वारा बोले गए जो शब्द हैं वो ऐसे उनके मुंह से शब्द बुलवाए जा रहे हैं, यदि आज की पीढ़ी उसको देखेगी तो उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो शब्दों की भी मर्यादा अब समाप्त हो गई, लेकिन छोटे छोटे बातों पे जो थिएटर बंद कराते थे, आग लगाते थे, आजकल वो मौन है। अब बजरंग बली के शब्द मुंह से वो शब्द बुलवाए जा रहे हैं जो बजरंग दल के लोग प्रयोग करते, उस प्रकार के शब्द बजरंग बली के मुंह से करवा रहे हैं, हनुमान जी के मुंह से शब्द उसे निकलवा रहे हैं। ये बहुत ही आपत्तिजनक है, इसकी मैं निंदा कर रहा हूँ।